उत्तर प्रदेश, मास चेकिंग के दौरान युवक ने चौकी इंचार्ज को जड़ा थप्पड़, मौके से हुआ फरार। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सूबे की योगी सरकार ने मास्क न पहनने वालों को सख्ती से निपटने और जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि पहली बार बिना मास्क न पहनने वाले को 1,000 रुपये जुर्माना, उसके बाद 10,000 रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं और पुलिस को कोविड गाइडलाइन का पालन करवाना भारी पड़ रहा है। ताज़ा मामला कुशीनगर जनपद का है, जहां बिना मास्क के घूम रहे युवक को पुलिस ने रोक कर डांटा तो वह चौकी इंचार्ज को ही तमाचा जड़कर फरार हो गया। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी युवक को दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किए, लेकिन युवक फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज कर युवक की पहचान में लगी है। कुशीनगर के पटहेरवा थाने में फाजिल नगर कस्बे में चौकी इंचार्ज अपनी गाड़ी में बैठकर मास्क चेकिंग करने के साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहे थे। इस बीच एक युवक बिना मास्क के बाजार में घूम रहा था। चौकी इंचार्ज ने युवक को बुलाकर मास्क लगाने के बारे में पूछा तो उसने उल्टा जवाब दिया, जिसके बाद चौकी इंचार्ज ने उसे धीरे से थप्पड़ मारकर आगे से मास्क पहनकर घर से निकलने की चेतावनी दी। थप्पड़ खाते ही युवक भी आपे से बाहर हो गया और उसने भी गाड़ी में बैठे चौकी इंचार्ज को थप्पड़ जड़ दिया। पास में खड़े पुलिसकर्मी जब तक कुछ कर पाते तब तक युवक दौड़कर फरार निकला। युवक को पकड़ने के लिए एक पुलिसकर्मी दौड़ा, लेकिन युवक फरार हो गया। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने पूरी वारदात का वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद उसने इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। अब पुलिस ने इस मामले में अज्ञात युवक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस युवक की पहचान में लगी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या वो युवक पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा जाएगा तो कब तक पकड़ा जाएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।